गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू पैथोलॉजी क्लास. दिस इज़ एक्चुअली आर लास्ट सिस्टम ऑफ सिस्टमिक पैथोलॉजी. नहीं, लास्ट तो नहीं है, खैर अभी तो एक और सिस्टम आके, सॉरी, सेकेंड लास्ट सिस्टम ऑफ सिस्टमिक पैथोलॉजी, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी. बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है टीबी. फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ी है, सेकेंड ईयर में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फार्मा में भी जो इसकी ड्रग्स है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई नाम के बैक्टीरिया से लंग में होने वाली एक क्रॉनिक डिजीज़ है. एक टाइम था जब इसका इतना ज़्यादा प्रेवलेंस था, जिस समय डॉट्स वगैरह जैसे ट्रीटमेंट इसके चले नहीं थे और एड्स कैंसर जैसी बीमारियां कॉमन नहीं हुआ करती थी, उस समय ये एक बहुत बड़ी बीमारी कहलाती थी. और आम भाषा में इसको बड़ोड़ी बीमारी हो गया, ऐसा लोग कहा करते थे, गांव देहात के लोग जो हैं. तो ये एक बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें कैविटी बन जाती है लंग्स के अंदर, पर्सन को सांस लेने बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये मौत का कारण भी बन सकती है. टिल डेट भी ऐसा इसके साथ में है. और ये ना केवल लंग को बल्कि लंग के अलावा स्प्लीन, स्किन, वर्टिब्री, अलग अलग पार्ट्स को, बोन्स वगैरह सबको कवर कर लेती है. तो ट्यूबरक्यूलोसिस ये पोटेंशियली फेटल यानी जानलेवा कंटेजियस डिजीज़ है जो कि बॉडी के किसी भी, ऑलमोस्ट किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है, पर मेनली इसका इन्फेक्शन लंग्स में देखा जाता है. ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसमें ट्यूबरकल का मतलब होता है राउंड नोड्यूल शेप का या स्वेलिंग, और ऑसिस का मतलब होता है कंडीशन, यानी स्वेलिंग की कंडीशन को आप ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं. पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मेनली इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है ह्यूमन में, जबकि माइकोबैक्टीरियम बोविस है एनिमल्स में. इसके अलावा ये माइकोबैक्टीरियम एफ्रिकैनम, माइक्रोटी वगैरह से भी हो सकता है, लैप्री, एवियम, एसिएटिकम वगैरह से भी ये हो सकते हैं. इसके करैक्टरिस्टिक्स, ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ऑब्लिगेट एरोब यानी केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेगा, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, नॉन मोटाइल रॉड शेप का बैक्टीरिया है, मीजोफिलिक नेचर का होता है, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री तक इसका टेम्परेचर होता है, 25 से 45 डिग्री तक इसका टेम्परेचर होता है. साइज 0.2 से 0.6, स्लो जनरेशन टाइम 15 से 20 घंटे लग जाते हैं इसको. लिपिड रिच सेल वॉल इसकी पाई जाती है जिसके अंदर माइकोलिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए इसको अपन एसिड फास्ट बेसिलाई कहते हैं, इस माइकोलिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से. क्लासिफिकेशन, टीबी दो तरह की होती है, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी. पल्मोनरी टीबी ऑब्वियस है लंग्स में रहेगी, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी डिजीज़ के रूप में देखने को मिलती है. एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब है वो लंग्स के अलावा दूसरी जगहों पर फैल चुकी है, जैसे लिम्फ नोड, प्लूरल लिम्फ नोड की टीबी, प्लूरल टीबी, अपर एयरवे की टीबी, स्केलेटल टीबी, जिनाइटो यूरिनरी टीबी, मिलियरी टीबी, पेरिकार्डियल टीबी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्यूलस मेनिनजाइटिस और भी कुछ फॉर्म्स भी, पर वो बहुत कॉमन नहीं है, ऐसी भी देखने को मिल रही होती है. अब ये ट्यूबरक्यूलोसिस कैसे फैलता है भाई? सबसे पहले कफिंग, अगर मुंह आप पेशेंट के कांटेक्ट में हैं और वो खांस रहा है बिना माउथ को कवर किए, यानी एयर ड्रॉपलेट से फैलता है. भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ सांस लेना दुबर हो जाता है, ऐसे क्राउडेड प्लेसेस में भी फैलता है, और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहीं भी लोग जो थूक रहे होते हैं उससे भी ये टीबी फैल सकता है. सीवियर सिम्टम में ऑब्वियस 3 हफ्ते ज़्यादा खांसी, ऐसा आपने टीवी में हमेशा ऐड देखा सुना है, 3 हफ्ते ज़्यादा खांसी, सीने में दर्द और होता है खांसते समय, इतनी ज़्यादा खांसी आ रही होती है कि सीने में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और खांसी के साथ में ब्लडी स्पटम भी प्रोड्यूस होता है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस कम आ रही होती है, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, क्लाउडी रेडिश यूरिन प्रोड्यूस होता है, कंप कंप के साथ में बुखार चढ़ती है, और थकावट हमेशा शरीर में रहती है. अब ये टीबी के टाइप्स के बेसिस पर सिम्टम्स देखो बताए गए हैं. पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस में प्रोडक्टिव कफ आएगा, नाइट स्वेट होएगा, मतलब ये सारे ऐसे हॉजपॉज से दिए हुए हैं, किसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ आप खुद से पढ़ते रहिएगा. प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज़, ड्राई ग्रफ, फीवर, वीकनेस, वेट लॉस, जीआईटी सिम्टम्स वगैरह सब इसके साथ में, चेस्ट पेन वगैरह, ट्यूबरक्यूलोसिस प्लूराइटिस वगैरह में क्या क्या है, तो आप ये मैच करके खुद एरो एरो को देखते जाइएगा, ये समझ में आ जाएगा आपको.
अब इसकी पैथोजेनेसिस, ट्यूबरकुलोसिस की पैथोजेनेसिस देखिए, जैसे ही आप सोर्स के एक्सपोजर में आते हैं, सोर्स से आपका एक्सपोजर होता है, तो एरोलाइजेशन, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई वगैरह की वजह से ये आपके अंदर एंटर कर जाता है, बैक्टीरिया को आप इनहेल कर लेते हैं, तो इसके दो आउटकम हो सकते हैं। जैसे आपने बैक्टीरिया को इनहेल किया तो हो सकता है कि या तो इन्फेक्शन ना हो, 50% ज़्यादा केसेस में देखने मिलता है जब डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो ऐसा देखने को मिल रहा होता है, या फिर हो सकता है कि इन्फेक्शन जो है वो इनहेल जब आपने किया तो डिफेंस मैकेनिज्म आपकी एक्टिव नहीं है तो इन्फेक्शन कॉज कर दे, तो उस इन्फेक्शन के अंदर क्या करेगा, बैक्टीरिया लंग्स तक पहुंच जाएगा, वहाँ पर लंग्स में और रहेगा, लंग्स के अंदर अपना जो भी उसको काम करना है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो करेगा, वहाँ पर जब ब्लड पहुंच रहा होगा तो ब्लड के साथ में मैक्रोफाज पहुंचेगी, मैक्रोफाज इसलिए पहुंच रही है क्योंकि उसको ये पता चलेगा कि कोई एंटीजन आया है, कोई फॉरेन बॉडी आई है, तो मैक्रोफाज वहाँ 25-50% केस के अंदर पहुंचेगी, वो मैक्रोफाज उस बैक्टीरिया को एंगल्फ कर जाएगी, पर ये बैक्टीरिया इतना ढीट होता है कि मैक्रोफाज के अंदर भी जिंदा रहता है, मरता नहीं और वहीं पर मल्टीप्लाई करता रहता है। इसके अलावा ये ग्रैन्यूलोमेटस लेजन कॉज करता है वहाँ पर लंग के अंदर, वो ग्रैन्यूलोमेटस लेजन वहाँ बनना शुरू हो जाता है जिससे केशियस नेक्रोसिस, आप कहते हैं केशियस नेक्रोसिस पहचान है टीबी की। मैं आपको जब ये जनरल पैथोलॉजी पढ़ाऊंगी तो वहाँ नेक्रोसिस का थर्ड टाइप केशियस नेक्रोसिस पढ़ाऊंगी जो कि माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है जिसमें ग्रैन्यूलोमेटस लेजन्स बनते हैं। फिर इससे क्या है कि बैक्टीरिया सीज टू ग्रो और लेजन कैल्सिफाइडिया, तो बैक्टीरिया ग्रो होना सीज हो जाएगा, रुक जाएगा और वो जो लेजन है, वो जो घाव है वो कैल्सिफाइड हो जाएंगे, ऐसा 95% केस में दिखाई देता है। और अगर इम्यून सप्रेस हो गया है तो रीएक्टिवेशन होकर के वापस वही मैक्रोफाज मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो वाला पूरा फेस चलेगा। येलो मैक्रोफाज आपको साथ में येलो कलर में दिखाई गई है जिसमें बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, या फिर लेजन जो है वो लिक्विफाई हो जाएगा, यानी लिक्विफाई नेक्रोसिस दिखाई देगा, ये ब्लड और ऑर्गन, ब्लड से दूसरे ऑर्गन्स में फैल जाता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा, डेथ कॉज कर देता है, ऑब्वियसली नीचे रेड कलर में डेथ वर्ड लिखा हुआ है, या फिर बैक्टीरिया स्पटम में, या फिर तो क्या मतलब बैक्टीरिया स्पटम में कफ के साथ बाहर आता रहता है और लोगों तक फैलता है, तो ये देखिए डेथ लिखा हुआ है। लेजन लिक्विफाई होकर के भी स्पटम में जो है वो बैक्टीरिया फैल सकता है। ये मैक्रोफाजेस दिखाई दे गए, लिम्फोसाइट्स दिखाई गई हैं। अब टाइप्स देखिए, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, मैंने आपको बोला पल्मोनरी टीबी में प्राइमरी और सेकेंडरी टीबी दो टीबी होते हैं। प्राइमरी टीबी उन लोगों में होता है जिन लोगों में पहले ये कभी नहीं हुआ इन्फेक्शन, यानी अनइन्फेक्टेड अनएक्सपोज्ड होस्ट के अंदर देखने को मिल रहा होता है, उसको प्राइमरी टीबी कहते हैं। इसको गॉन्स कॉम्प्लेक्स से पहचाना जाता है, ये चाइल्डहुड टीबी है, मोस्टली ये वाली टीबी जो है बच्चों में हो रही होती है जिनको पहले से प्रीवियस कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ था उनमें, तो ये बचपन में ही होती है वाली टीबी। पर क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, तो सिंपल घर का ट्रीटमेंट लेते हैं, उस समय ये बैक्टीरिया जो है वो बॉडी में जाकर के कहीं पर भी छुप जाता है, ये डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है, लंग्स वगैरह में छुप जाता है, तो लोगों को लगता है कि ठीक है सिंपल सर्दी जुकाम बुखार कुछ थी जो अब ठीक हो गया है। फिर क्या होता है, लेटर लाइफ में जब कभी भी पर्सन की इम्यूनिटी वीक होती है उस समय ये जो बैक्टीरिया है इसको मौका मिलता है, ये एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होकर के बाहर निकलेगा, और क्योंकि उस वक्त इम्यूनिटी वीक है तो ये अटैक करेगा, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी टीबी। तो प्राइमरी टीबी बचपन में हो जाती है और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट डाला जाए तो लेटर स्टेज में सेकेंडरी टीबी में कन्वर्ट हो जाता है, मोस्टली सेकेंडरी टीबी देखने को मिलती है। या फिर हो सकता है कि प्राइमरी टीबी ठीक हो गई थी पर फिर कभी बॉडी में ऐसा मौका मिल गया और वैक्सीनेशन करवाया हुआ नहीं है उस पर्सन ने, तो जब कभी भी इम्यूनिटी वीक हुई तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो गया, तो उसको री इन्फेक्टिव टीबी भी कहते हैं। ठीक है, तो तीन तरह की हो सकती है, तो प्राइमरी टीबी गॉन्स कॉम्प्लेक्स से पहचानते हैं, इसमें लेजन्स जो है इन्फेक्शन के बाद बनते हैं पेरिफेरल में और हाइलर पार्ट में दिखाई दे रहे होते हैं जो कि ज़्यादा डिटेक्टेबल नहीं होते, चेस्ट रेडियोग्राफी करवाओ तो भी पता नहीं चलता है, इसलिए प्राइमरी टीबी जनरली पहचान में आती नहीं है, तो बचपन में होती है, बचपन में टेम्परली ठीक भी हो जाती है।
सेकेंडरी टीबी उन लोगों में होती है जिनमें पहले से इन्फेक्शन हुआ हुआ है या सेंसिटाइज जो लोग हुए हुए हैं। तो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं प्राइमरी टीबी में अनएक्सपोज्ड अनसेंसिटाइज्ड हॉस्ट में होती है, जबकि एक्सपोज सेंसिटाइज्ड इन्फेक्टेड हॉस्ट में होती है सेकेंडरी या पोस्ट प्राइमरी टीबी। इसको री इन्फेक्शन या क्रॉनिक ट्यूबरक्यूलोसिस भी कहते हैं। ये सारे नाम याद करिए इसका। मैंने जो सेकेंड कंडीशन बताई थी वो री इन्फेक्शन टीबी की थी। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी 20% पेशेंट्स में जो टीबी है वो बॉडी के अलग अलग साइड्स को अफेक्ट करती है, जैसे लिम्फ नोड, प्लूरल वगैरह। लिम्फ नोड में ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस हो जाता है। एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन में दिखाई देता है। इसके सिम्टम में पेनलेस स्वेलिंग लिम्फ नोड में आ जाती है। सर्वाइकल और सुप्रा क्लाविकल रीजन के अंदर दिखाई दे रहा होता है। प्लूरल टीबी में प्लूरा इन्वॉल्व हो जाती है। प्राइमरी टीबी में भी ये दिखाई दे रहा होता है, जिससे कि ट्यूबरकल बेसिलाई प्लूरल स्पेस में घुस जाता है। अपर एयरवे की टीबी में लैरिंग्स, फेरिंग्स और एपिग्लॉटिस में कवर हो जाता है। पर्सन को पीने निगलने में दिक्कत आ रही होती है। प्रोडक्टिव कफ प्रोड्यूस होता है। जिनाइटो यूरिनरी टीबी के अंदर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के 15% केस में दिखाई दे रहा होता है। सिम्टम है बार बार यूरिन पास होता है, पेन हो रहा होता है यूरिन पास के दौरान, और यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है। स्केलेटल टीबी में वेट बियरिंग पार्ट जैसे स्पाइन, हिप और नी में टीबी फैल जाती है। तो फिर ऑब्वियस इन सारे जॉइंट्स के अंदर दर्द होएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, ट्रॉमा हो जाएगा। जीआईटी के अंदर ये किसी भी पार्ट को कवर कर सकता है, जैसे उससे क्या होगा, पर्सन के पेट में दर्द रहेगा, डायरिया हो जाता है और वजन कम होने लग जाता है। अगर ये ब्रेन को कवर करता है तो मेनिनजाइटिस और ट्यूबरक्यूलोमा हो सकता है। 5% केसेस में देखा जाता है ये। तो हिमाटोजेनस स्प्रेड की वजह से जो प्राइमरी या सेकेंडरी टीबी है वो फैल जाता है, तो मेनिनजाइटिस कॉज कर देता है। पेरिकार्डिटिस में पेरिकार्डियल का इन्फ्लामेशन हो जाता है। हायर लिम्फ नोड्स, मीडियास्टिनल वगैरह या लंग से ये फैल रहा होता है। मिलियरी और डिसमिनेटेड टीबी के अंदर हिमाटोजेनस स्प्रेड से ट्यूबरकुलर बेसिलाई फैल जाते हैं। इन्फेक्शन की एंट्री पल्मोनरी वेन में हो जाती है और उससे लेजन्स बनते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइड पर। लेजन्स छोटे छोटे पीले पीले मिलियरी सीड जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको अपन मिलियरी टीबी कहते हैं। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी लेस कॉमन जो है वो उसमें यूवीआईटिस, पैनोप्थैल्माइटिस, पेनफुल हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं। डायग्नोस भाई बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करो। जेडन स्टेनिंग होती है इसकी, एसिड फास्ट स्टेनिंग। देखिए जब इसी को अपन आम भाषा में बलगम जांच कहते हैं, कि स्पटम का सैंपल लीजिए और उसकी जेडन स्टेनिंग कर लीजिए, तो आपको ब्लू बैकग्राउंड में रेड बैक्टीरिया चमकते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ओरामाइन स्टेन कर सकते हो। स्पटम कल्चर टेस्ट, वही स्पटम कल्चर टेस्ट बलगम जांच है। एलजे मीडिया के ऊपर स्पटम को कल्चर करते हैं, 4 से 18 हफ्ते के अंदर इसकी ग्रोथ आएगी। लिक्विड और अगार मीडिया पर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। रेडियोग्राफी में चेस्ट एक्सरे करवाओ तो देखो ऐसा धुंधला धुंधला सा ही दिखाई देगा। न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन भी आप कर सकते हो। ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये नाम लिख दीजिए। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जिसको आप मेंटॉक्स टेस्ट कहते हैं, इसमें प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव से किया जाता है, यानी पीपीडी से किया जाता है। इसमें इंजेक्शन फ्लूड का जो है वो स्किन में लोअर आर्म पे लगाते हैं, तो 48 से ये पीपीडी का इंजेक्शन लगाते हैं। इसको अपन ट्यूबरकुलिन यूनिट भी कहते हैं। इस पीपीडी को प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव बैक्टीरिया से लेते हैं, ये पीपीडी ट्यूबरकुलिन यूनिट कहलाती है। इसको आप लोअर आर्म पे जब लगाएंगे तो 48 से 72 घंटे के बाद आप रिएक्शन को देखिए। अगर आपको एरिदमा एडिमा दिखाई दे रहा है, एरिदमा दिखाई देता है रेड कलर का चकता, तो वो व्हील जो दिखाई दे रहा है उसके साइज को आप नोट करिए। और इसमें जो आपको ट्यूबरक्यूलिन पीपीडी देनी है वो 1 डोज 0.1 ml कंटेन, जिसमें 0.04 माइक्रोग्राम की ट्यूबरक्यूलिन हो, वो आप इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पिक्चर में दिखाया गया है ना, ये डर्मिस में आईडी इंजेक्शन लगाया जाता है इस ट्यूबरकुलिन व्हील, फिर आपको दिखाई देगा एपिडर्मिस में 1.2 mm। तो ये देखिए मेजर करते हुए दिखाया गया, इस व्हील को आप मेजर करिए। अब इंटरप्रिटेशन देखिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट की। 6 mm से कम है तो नेगेटिव माना जाता है। ये हो सकता है कोई अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल में अगर BCG लगाई है, BCG का टीका, तब भी ऐसा बन सकता है। 6 mm या उससे ज़्यादा बन रहा है पर 15 mm से कम है तो ट्यूबरकुलिन प्रोटीन की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से बन सकता है। और 15 mm से अगर ये बड़ा बन गया तो स्ट्रांगली हाइपर सेंसिटिव ट्यूबरकुलिन प्रोटीन को बता रहा है, इसका मतलब टीबी इन्फेक्शन या ये डिजीज़ उसको है। तो ऐसे में BCG आपको नहीं देना है और बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजिए, कीमोथेरेपी करवाइए उसकी। और बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में सेल काउंट कर सकते हो, मतलब WBC को काउंट करके देखिए, बड़ी भी मिलेगी। प्रोटीन में पैंडिया
रिवाल्टा टेस्ट किया जाता है, एसाइड प्लूरल इफ्यूजन और मेनिनजाइटिस के लिए किया जाता है। अब टीबी से कैसे बचा जा सकता है भाई, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करिए, लोगों के साथ चीज़ें शेयर मत करिए, जिनको टीबी है उनके साथ रहिए मत, टाइम पे उठना, एक्सरसाइज करना, अल्कोहल वगैरह को ना लेना, टाइम पर सोना, हेल्दी लाइफस्टाइल यानी हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी एनवायरनमेंट को अपनाना ज़रूरी है, और इम्यूनाइजेशन बच्चा करवाना ज़रूरी है। बस इसके साथ ये टीबी ख़त्म। और मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ये, बहुत बार पूछी जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है भाई, इसके लगभग सभी डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पे क्वेश्चंस आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।